शिमला जिला के रामपुर के समीप दत्तनगर में किन्नौर के निचार और रामपुर के पार्टी विस्तारकों का एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए विस्तारकों को जमीन से जुड़कर आगे बढ़ना होगा। शिविर के बाद पत्रकार वार्ता कर संगठन की मजबूती के लिए किए जा रहे प्रयासों का खुलासा किया। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाबरी मस्जिद पर जो निर्णय सुनाया गया है उसे ऐतिहासिक निर्णय बताया और कहा सच्चाई की जीत हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी कृषि विधेयक पर किसानों को गुमराह कर रही है, जबकि वर्ष 2019 के चुनावों में स्वयं कांग्रेस इसे लागू करना चाहती थी, लेकिन जब इसे भाजपा ने लागू किया तो इस पर कांग्रेस आपत्ति जता रही है और किसानों को सड़कों में उतार कर प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने बताया कि ये बिल किसानों का पक्षधर है और इससे किसानों को काफी लाभ होने वाला है। इस दौरान पूर्व विधायक सिंघीराम मंडल अध्यक्ष रामपुर भीमसेन ठाकुर, मंडल अध्यक्ष निचार खंड संजय नेगी, पूर्व प्रत्याशी प्रेम सिंह दराय, पूर्व प्रदेश सचिव नीना शर्मा, रीता बादल भी मौजूद रहे। निचार मंडल की विस्तार की योजना को लेकर एक दिन का विस्तारकों का प्रशिक्षण वर्ग था और उस दृष्टि से हमारे दोनों मंडलों का विस्तार कर रहे थे। हमारा प्रयास है कि पार्टी के कार्य को विस्तार दिया जाए और उस दृष्टि से हमारे विस्तारक अगले 15 दिनों तक अलग अलग ग्राम केंद्रों में जाकर पार्टी के काम को विस्तार देने के लिए और इस प्रकार से कार्य करेंगे उसी दृष्टि